फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सैमसंग की 7KG ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है और बैक पैनल के साथ आती है और डिजिटल इन्वर्टर के साथ है, जिसकी कंपनी 2 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 20 ईयर की इसकी मोटर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी परचेज़ करना जा रहे हैं मशीन सैमसंग की 7KG, या फिर आपने पहले से परचेज़ कर ली है मशीन को और उसको यूज़ करना है, कि डेमो वाला तो आपके पास आया है घर पे पर वो प्रॉपरली बता के नहीं गया है, फिर भी इसीलिए मैं आज आपको ये डेमो दे रहा हूँ प्रॉपरली लाइव चला के, कि किस टाइप से इसको यूज़ करना है, कौन सा प्रोग्राम किस यूज़ पे आता है। तो फ्रेंड्स डेमो स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें एक ड्रेन पाइप दिया रहता है, जब भी मशीन को यूज़ करें तो इसको आप नीचे ऐसे छोड़ दें, जिससे कि जितना भी पानी ड्रेन आउट होगा वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें आप बेसिक देख लेते हैं, ये इसका ड्रम होता है, स्टेनलेस स्टील का ड्रम होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें एक डिटर्जेंट बॉक्स होता है, जिसमें कि आपके 2 रोलर दिए जाते हैं। डिटर्जेंट बॉक्स में क्या होता है उसके भी मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसके मेन बेसिक फीचर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक लिंट फिल्टर है, जो कि कपड़ों के रेसे और उन फिजिकल डस्ट को कैच करता है। क्या होता है ना, कभी कभार जब हम कपड़े धोते हैं तो उसको बार बार हमें वॉश करना पड़ता है, वॉश करना यानी उसको धोना पड़ता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके कपड़ों की सफाई रहे। ब्लीचिंग का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि कोई लिक्विड वगैरह कंफर्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे आप उसको ब्लीचिंग को डाल सकते हैं। स्मार्ट डोर क्लोजिंग दे रखा है, ये भी बेसिक फीचर में आता है कि एकदम से नहीं आएगा नीचे, एकदम धीरे धीरे आएगा, तो स्मार्ट डोरिंग क्लोज है। ऑन एंड ऑफ का सिस्टम दे रखा है, सिंपल बेसिक यूज़ है कि आपको खाली ऑन करना है और स्टार्ट करना है, ये इसका बेसिक यूज़ है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग में क्या होता है, इसमें 8 वॉश प्रोग्रामिंग है। तो जैसे जैसे आप इसका साइकिल यहाँ से दबाते रहोगे ना, तो वैसे वैसे यहाँ पे फीचर्स आपके चेंज होते रहेंगे। तो जैसे इसमें, जैसे पहले दे रखा है इसमें नॉर्मल दे रखा है, तो जैसे आप यहाँ पे फंक्शन चेंज करोगे तो ये नॉर्मल में आ जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, मैनुअली भी आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली मीन्स जब भी आपको कुछ भी कोई भी अपना फेवरेट फीचर यूज़ करना हो तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये वॉश रिंस स्पिन ये भी आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने फंक्शन साइकिलिंग दबाया, तो पहला फीचर है इसका नॉर्मल, दूसरा फीचर है इसका क्विक वॉश। क्विक वॉश क्या होता है, 15 से 30 मिनट की वॉशिंग क्वालिटी दी जाती है, यानी अगर कम कपड़े हो तो कम कपड़ों में आप इसमें क्विक वॉश में लगा सकते हो। डेलिकेटेड हो गया नॉर्मल, डेलिकेटेड कपड़ों के लिए। अब जैसे जैसे आप साइकिलिंग चेंज करते रहोगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से सेंस करेगा, लोड लेगा और उसी हिसाब से टाइमिंग लेगा। जैसे बेडिंग हो गया 93 आपको दिखा रहा है, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली सेंस करता रहता है। जैसे 5 में जींस हो गया, फिर आपका एनर्जी सेविंग मोड हो गया, एनर्जी सेविंग मोड में भी क्या होता है, ये एनर्जी सेविंग करता है काफ़ी हद तक। इसमें अगर आप कपड़े धोते हैं, अगर आपके घर में वो है इन्वर्टर वगैरह है, अगर आप उस पर चलाते हैं, ठीक है। अगर आपको रिंस एंड स्पिनिंग वगैरह नहीं करनी है तो इसमें छठा फीचर जो है रिंस और स्पिनिंग दे रखी है। इसमें स्पेशली आप अलग से रिंस और स्पिन कर सकते हैं। अगर आप वॉश नहीं कर रहे, आपने पहले से वॉश किए हुए, तो आप रिंस और स्पिन में लगा सकते हो, जो कि खाली रिंसिंग करेगी और स्पिनिंग करेगी। इको टब क्लीन हो गया। अब इको टब क्लीन जो इसका 8वां फीचर है, उसमें क्या होता है, इको टब क्लीन में जैसे कि मान लीजिए आपने 3-4 महीने कपड़े धो दिए हैं, 3 महीने कपड़े धो दिए हैं, या फिर मान लीजिए हर 30 वॉश 30 वॉश के बाद या 50 वॉश के बाद आपको इको टब क्लीन करना है। मार्केट में डी स्केलिंग पाउडर आता है और उस पर लगाना है। ये ऑटोमेटिकली टाइम लेगा, जब कम से कम आप देख रहे हैं तो 2 घंटे का ये समय लेता है पूरे ड्रम को क्लीन करने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरा ड्रम क्लीन हो जाता है। ऐसे आप इसको मैन्युअली करेंगे, जैसे फंक्शन दबाया और स्टार्ट कर दिया, सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपका ये फंक्शंस है, तो स्पिन वॉश रिंस, ये 3 फंक्शन है। तो इनको आप अगर मैन्युअली यूज़ करने आते हैं तो मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वॉश रिंस नहीं करना है, खाली रिंसिंग करनी है, स्पिनिंग करनी है खाली, या फिर रिंस और स्पिन नहीं करना है, खाली वॉश करना है, तो आप यहाँ से फंक्शन से दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे जो आपके बीच में जिस फंक्शन में आपने लगाया है, तो ये होता है वॉश रिंस और स्पिन मैन्युअली फंक्शन। वाटर लेवल यहाँ पे शो करता है, 1 से लेके 5 तक का वाटर लेवल है, यानी वाटर लेवल भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली ले लेती है। डिले एंड हो गया। डिले एंड ज़्यादातर वहाँ पे काम आता है, मान लीजिए आपने रात में कपड़े डाले हैं, आपको टाइम नहीं है कि मेरे को कपड़े जल्दबाजी में धोने हैं, तो क्या होता है ना, कभी कभार सारे ऑफिस वाले होते हैं घर में, काम टाइम नहीं रहता है, तो आप डिले एंड में लगाओगे तो 2 से 24 घंटे का समय होता है। तो आप डिले एंड में लगाओगे, मशीन को ऑन करोगे और स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा, मशीन वहीं पर स्टार्ट होगी जहाँ से आपने प्रोग्रामिंग लगाई होगी।
तो ये होता है डिले एंड का फंक्शन। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि पानी अगर लाइट चले आए तो लाइट चले जाने के बाद भी मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे आपने लगाया होगा। तो डिले एंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको खाली स्टार्ट करना है और उस प्रोग्रामिंग पे और उस टाइमिंग पे लगा देना है ताकि आपको कपड़े पूरे प्रॉपर धुले हुए मिलें आपको। तो ये इसका फीचर होता है। अब देखते हैं जैसे कि इसमें ब्लीचिंग वगैरह हो गया, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि जैसे मतलब कपड़े होते हैं जिसमें ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है, नील टाइप की जरूरत पड़ती है, तो आप इसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको टब क्लीन बताया था, तो टब क्लीन में भी आप वहीं पर आपके लिक्विड वगैरह डाल सकते हो जो कि डायरेक्टली ड्रम के नीचे जाएगा और प्रॉपर तरीके से वॉश करेगा। अभी जैसे कि इन्होंने मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है, दो रोलर दे रखे हैं इसमें। दो रोलर क्या करते हैं, आप इसमें सर्फ और जो वहाँ से फॉर्म जनरेट करेगा और प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कपड़ों में बैठेगा और उससे वॉशिंग क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। अगर इसमें आप ज़्यादातर लिक्विड यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिजॉल्व होता है, जितनी जल्दी वो डिजॉल्व होगा उतनी वॉशिंग क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी। आपको अगर खाली रिंसिंग करनी है तो रिंसिंग का भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, यानी अगर एक रिंसिंग हो सके आपको दो रिंसिंग करनी है, क्योंकि रिंसिंग से क्या होता है ना कि कपड़े आपके ज़्यादा अच्छे धुलाई हो जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए कपड़े आपके ज़्यादा गंदे हैं, आपको उनको दोबारा रिंसिंग करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको रिंसिंग पे स्टार्ट कर देना है, तो रिंसिंग आपका दोबारा से सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से रिंसिंग भी स्पेशली अलग से फीचर्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका मैनुअली यूजिंग के थे सारे फीचर्स, कि आप इसमें मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो ये सारे फीचर। अदरवाइज मशीन क्या होती है, मशीन ऑटोमेटिकली फजी लॉजिकली अपना काम करती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, कपड़े ऐड करने पड़ते हैं और इसको स्टार्ट करना पड़ता है, बस सिंपल। तो इसमें जैसे ये बेडशीट है, तो बेडशीट को अगर धोते हैं आप तो उसमें आपको बेडशीट के हिसाब से ही सर्फ एक्सेल डालना पड़ता है। यानी अगर डबल बेडशीट है तो दो स्पून डाल दीजिए या फिर एक ढक्कन लिक्विड सर्फ डाल दीजिए, तो वो सिंपल है, ये आराम से यूज़ हो जाएगा। तो क्या करता है, जब ये इसमें आप डालते हो ना तो ये प्रॉपर तरीके से नीचे जाता है ड्रम के और वहाँ पे फॉर्म जनरेट करता है, और फॉर्म जनरेट के बाद वो कपड़े में डायरेक्टली पकड़ता है, जिससे कि कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी अच्छी होती है। अब आप बेडिंग धो रहे हो तो आपको बेडिंग पे लगाना है, जैसे कि इसका चौथा प्रोग्राम था बेडिंग। जैसे आप बेडिंग पे लगाओगे और यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली वही टाइम लेगा जो कि बेडिंग को चाहिए होता है। वो क्या करता है, पहले सेंस करता है कपड़े को कि, और फिर लोड को सेंस करता है कि कितना लोड डाला है, और उसी के हिसाब से वाटर वगैरह लेगा और उसी के हिसाब से टाइमिंग लेगा कि मेरे को इसमें कितना टाइमिंग लेना है, तो वो इसी के हिसाब से होता है। जैसे ये फीचर्स है ऐसे ही सारे फीचर्स आपके वर्क करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ये घूमेगा घूमेगा और प्रॉपर तरीके से ये वॉशिंग करेगा कपड़ों की इफेक्टली डायरेक्टली। साथ ही साथ ये सावरिंग भी करता रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना जैसे अंदर है तो पानी की सावरिंग भी वहाँ पे करता रहता है। जैसे जैसे कपड़े को धोते रहेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी यहाँ से लेस होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम खुद ही करती रहेगी, ये इसका फीचर्स होता है। आप जैसे आप दिखा रहा हूँ तो इसमें दो मतलब आप दोनों को एक साथ पुछ करते हो ना, तो इसमें चाइल्ड लॉक भी होता है। मान लीजिए आपने मशीन ऑन करी हुई है और मशीन चल रही है, अचानक बच्चे इसको छेड़ देते हैं तो प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। जैसे आपका डिले एंड हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया आपका वाटर लेवल, दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चाइल्ड लॉक हो जाएगा। जब ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा ना तो ये फिर पैनल ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, आपको फिर चाइल्ड लॉक ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें चाइल्ड लॉक का यही फायदा होता है कि बीच में अगर कोई बच्चा छेड़ता है तो वो गलती से इसको छेड़ नहीं सकता है, ताकि इसके प्रोग्रामिंग चेंज ना हो, वही प्रोग्रामिंग चलता रहे। तो चाइल्ड लॉक का भी सेफ्टी फीचर इसमें है। अब देखिए जैसे कि अगर आप इसमें मतलब वॉशिंग क्वालिटी हो रही है और इसमें आप जैसे कि मान लीजिए बीच में इसका डोर खोल देते हैं, तो इसके डोर ओपन के बाद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जैसे कि ये मैंने करा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सैमसंग की 7kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताया है कि कैसे ये यूज़ होती है, कैसे इसके इस्तेमाल करना है। तो अगर इसमें कुछ भी आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।